अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर कतर से आ रही दोस्तों, वो मौसम विभाग की तरफ से आ रही, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, इसे वहाँ पे मौसम विभाग को कहा जाता है। तो उन्होंने दोस्तों बताया है कि मौसम विभाग तरफ से बताया गया कि संडे के दिन शाम 6 बजे से वहाँ पे काफ़ी गर्म आपको महसूस आपको होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी दोस्तों वहाँ पे पड़ने की संभावना बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो हवा की जो स्पीड रहेगी वो 5 नॉट से 15 नॉट तक जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 नॉट तक स्पीड ये हवा जो है वो चल सकती है। और साथ ही ये भी बताया कि समुद्र किनारे इसकी लहरें जो होंगी वो 1 से 2 फीट तक उठेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 फीट तक जा सकती है। मतलब दोस्तों 2 फीट तक कम से कम अंदाज़ा लगाया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट तक जा सकती है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, मोर देन 2400 फीमेल स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम 9 कॉलेज ऑफ क्यू। साथियों बताना चाहूँगा आपको, कतर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दोस्तों इस साल जो है करीब करीब 2400 महिला स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सब महिलाएं हैं, और सभी के सभी दोस्तों महिला जो वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो ग्रेजुएट हो चुकी है। बताया जा रहा है कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में 1st ग्रुप, 2nd ग्रुप, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक स्टडी है, कॉलेज ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, 1st ग्रुप, 2nd ग्रुप एंड 3rd ग्रुप। तो साथियों इन इतने कॉलेजेस में कुल मिला के 2400 महिलाएं जो है वो ग्रेजुएट इस साल हो चुकी हैं। अगली खबर साथियों जो आ रही है कतर से, नंबर ऑफ प्लेट वर्कशॉप रिज्यूम इवनिंग शिफ्ट। दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते साथियों जो गाड़ी में जो नंबर प्लेट जो लगाया जाता है, जनरल डायरेक्टिव ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाना या फिर चेंज करना या फिर कुछ डिज़ाइन करवाना वो इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा। तो जो भी लोग वहाँ पर अब नंबर प्लेट में दिक्कतें हो रही थी, नहीं लगा पा रहे थे दोस्तों, उसे ओपन कर दिया जा रहा है। यदि आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हैं। अगली खबर साथियों फाइस से आ रही है, फाइस रीओपन इंडस्ट्रियल एरिया यूनिट, एक्सटेंड वर्किंग ऑफ 2 यूनिट। साथियों फाइस को भी दोस्तों, फाइस जो जिसे कहा जाता है, जिसे आप जरूर जानते होंगे, वो इंडस्ट्रियल ओपन दोस्तों दोबारा इसे रीओपन किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कतर फ्यूल जो वकूद है ये ट्वीट करके बताया है, बताया जा रहा दोस्तों इसमें से जो खोलने का टाइमिंग जो होगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, और उसके बाद दोस्तों 11:30 बजे तक वहाँ पे होगा। तो यदि दोस्तों उसमें उस फाइज में जो भी काम करते या फिर कोई काम करवाना चाहते तो आप करवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अब नहीं होगी। अब साथियों बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कतर एयरवेज की तरफ से, बताना चाहूँगा साथियों, कतर एयरवेज टू रिज्यूम डेली फ्लाइट टू शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। साथियों कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2021 से UAE के लिए दोस्तों जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि फ्लाइट नंबर है 8 बोइंग 787, और इसमें 22 सीट होगी दोस्तों। इसमें जो होगी VIP क्लास और फर्स्ट क्लास होगा दोस्तों, 32 सीट इकोनॉमी क्लास होगा, 22 सीट दोस्तों फर्स्ट क्लास होगा, 232 होगा इकोनॉमी क्लास। तो जो भी लोग अब साथियों अब यदि सफ़र करना चाहते हैं तो आप सफ़र कर सकते हैं। बताया गया कि इंटरनेशनल नेटवर्क इन एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका विद करंटली स्टैंडर्ड ओवर 130 डेस्टिनेशन विद प्लान इंक्रीज द मोर देन 1200 वीकली फ्लाइट। दोस्तों बताया जा रहा है कि 130 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट चलाई जाएंगी, जो कि हफ्ता में 1200 फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो दोस्तों ये जो है वो जुलाई तक आते आते ये सब सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।